हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्री फायर मैक्स के ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम के बारे में, कि क्या आप गेम को ओपन करते हैं तो आपकी भी गेम इस प्रकार ओपन होती है और यहां पर आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है। तो गाइस, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको भी बताता हूँ कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको गेम को कट करना है। ओपन तो कर ही लिए हैं गेम को, भाई गाइस अनइंस्टॉल मत करना, डिलीट मत करना। यहाँ पर ओपन करना है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कोई बात नहीं, बैक आना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको जेड अचीवर नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपको सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर लिखना है जेड अचीवर, आपको मिल जाएगा। इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपना इंटरनेट बंद कर लेता हूँ, तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस, अब आपको अपने डाउनलोड में जाना है जहाँ पर आपने ओबीबी फाइल और एपीके को डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एपीके को डाउनलोड किया हूँ यहाँ पर और ओबीबी फाइल को भी डाउनलोड किया हूँ। अब गाइस, यहाँ पर एपीके को तो हमने इंस्टॉल कर ही लिया है पहले से ही, ओपन कर रहे हैं तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर ओबीबी फाइल पर क्लिक करना है कुछ टाइम तक, और फिर आपको यहाँ पर कॉपी पर या फिर कट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए कट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर डिवाइस मेमोरी पे क्लिक करना है, फिर जाना है एंड्रॉयड वाले फोल्डर में, सॉरी एंड्रॉयड, फिर ओबीबी वाले फोल्डर में जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा com.dts.freefiremax, तो यहाँ पर मैक्स लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद ओबीबी फाइल को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट हो जाए फिर आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, अब आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको अब क्या करना है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिलीट कर दिए हैं गेम को पहले ही, तो फिर कोई बात नहीं, गेम को एक बार इंस्टॉल करना है और जब फोल्डर बन जाए तो वहाँ पर जाकर ओबीबी को पेस्ट कर देना है और फिर आपको वीपीएन को ओपन करके गेम को ऑन करना है, आपकी गेम 100% ओपन हो जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।